ओम शांति। 3 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। बच्चे इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो, यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। बाबा कहते, तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रकुटी के बीच में हमारा निवास स्थान है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है। बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। भ्रकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हमारा यह ईश्वरीय परिवार है, इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। 2nd पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। आज की मुरली का वरदान है, बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव।
विश्लेषण है, जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। बाबा कहते, बच्चे सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। वह अपनी सफलता की स्व स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। दुआएं लो दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।